ठीक है। वेबसाइट को अगर हम लोग देखें तो इसके कुछ कुछ पार्ट्स होते हैं, ठीक है। सबसे पहला होता है हेडर, यहाँ पे जो ये लोगो दिख रहा है और यहाँ पे जो हेमचंद यादव विश्वविद्यालय दुर्ग लिखा हुआ है, ये हेडर हो गया, ठीक है। जितने भी पेज हम लोग खोलेंगे सब में ये चीज़ सेम दिखेगा, ठीक है, देख सकते हो, कोई भी पेज खोल लो सब में ये सेम दिखेगा, ठीक है। क्या दिखेगा? सेम दिखेगा, ठीक है। और यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं क्विक लिंक्स भी सेम दिखता है लगभग लगभग, लेकिन कुछ कुछ चीज़ों में चेंज हो जाता है, ठीक है। और यहाँ पे जो ये ग्रीन कलर के पट्टी में हम लोग को जो मेनू दिख रहा है ये भी सेम रहता है, ठीक है। तो यहाँ पे इसको बोलते हैं हेडर, ठीक है, ये ऊपर वाला हेडर हो जाएगा, ठीक है। ये वाला जो है ग्रीन कलर की पट्टी में जो दिख रहा है ये सारे मेनूज है, इसको हम लोग बोलते हैं नेविगेशन बार या फिर मेनू, नेविगेशन बार या फिर मेनू इसको बोला जाता है, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पे हम लोग एक क्विक लिंक्स वगैरह इस टाइप से लिंक्स भी दे सकते हैं नेविगेशन के लिए, ठीक है। और सबसे नीचे में रहता है यहाँ पे फुटर, ठीक है, सबसे नीचे में रहता है फुटर, ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं फुटर, ठीक है। ये फुटर है और सबसे ऊपर वाला हेडर है, ठीक है। तो हम लोग को यहाँ पे तीन चीजें बनानी है। सबसे पहले हेडर हम लोग को बनाना है, मेनू हम लोग को बनाना है और फुटर हम लोग को बनाना है। सबसे पहले हम लोग को न्यू फाइल लेना है और यहाँ पे हम लोग इस टाइप का एक स्ट्रक्चर बना लेंगे, ठीक है। मैं यहाँ पे लिखता हूँ, जैसे कि मैं लिखता हूँ साई कॉलेज ई लाइब्रेरी, ठीक है, ये मेरा क्या हो गया, टाइटल हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ कुछ चीजें हम लोग को करनी है, ठीक है। मैं इसको सेव कर लेता हूँ और सेव क्या करूँगा, जैसे कि एक फोल्डर मैंने बना लिया, ठीक है। मैं HTML प्रैक्टिकल के अंदर एक प्रोजेक्ट नाम का फोल्डर बना रहा हूँ। कैसे फोल्डर बनाएंगे? ई लाइब्रेरी प्रोजेक्ट, ऐसा मैंने एक फोल्डर बनाया और इसी के अंदर सारे HTML फाइल्स को सेव करूँगा। सबसे पहले मैं लिखता हूँ यहाँ पे होम, ठीक है। मैं क्या लिखूंगा? होम पेज डॉट HTML, ठीक है, और कर दूंगा सेव, ठीक है। होम पेज डॉट HTML करके मैंने इसको सेव कर दिया, ठीक है। और यहां पे मैं लगा लेता हूं H2, ठीक है, और H2 को कर देंगे अपन क्लोज, H2, ठीक है। और यहां पे मैं लिख लेता हूं साई कॉलेज ई लाइब्रेरी, ठीक है। आप लोग यहाँ लोगो वगैरह सारा चीज लगा सकते हो, ठीक है। और यहाँ पे मैं इसको कर दूंगा अलाइन सेंटर, अलाइन इक्वल टू सेंटर, ठीक है। और मैं इसको ओपन कर लेता हूँ यहाँ ई लाइब्रेरी प्रोजेक्ट, और ये होम पेज हम लोग को मिल गया। तो ये क्या हो गया, हम लोग को सेंटर में देखने के लिए मिल रहा है। तो हेडर हम लोग को सबसे पहले प्रिपेयर कर लेना है यहाँ पे, ठीक है। हेडर यहाँ पे प्रिपेयर कर लेंगे, H2 यहाँ पे हम लोग को छोटा लग रहा है तो H1 यहाँ ले लेंगे, ठीक है। H1 कर लेते हैं इसको हम लोग, और यहाँ रिफ्रेश करेंगे तो ये बड़ा हो जाएगा, ठीक है। इतना बड़ा काफ़ी है, और भी बड़ा हम लोग को करना है तो फॉन्ट साइज हम लोग लेके कर सकते हैं, ठीक है। मैं यहाँ हेडिंग ले रहा हूँ तो कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे, ठीक है। साई कॉलेज का लोगो वगैरह हम लोग लगा लेंगे। लोगो लगाने के लिए क्या करेंगे हम लोग, इसके पहले इमेज टैग ऐड करेंगे IMG, ठीक है, SRC इक्वल टू, और मैं यहाँ पे एक साई कॉलेज का लोगो मेरे पास रखा हुआ है तो मैं यहाँ से, ठीक है, साई कॉलेज का लोगो यहाँ रखा है मेरे पास, तो मैं इसको अपने फोल्डर में ही, हम लोग को सारा चीज इस फोल्डर के अंदर ही रखना है, ठीक है। यहाँ पे हम लोग एक इमेजेस नाम का फोल्डर बनाएंगे, इमेजेस के अंदर हम लोग सारे लोगोस हो गया या फिर जो भी इमेज हम लोग डालने वाले हैं वो हम लोग यहाँ पे लिख लेंगे, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लोगो लिख ले रहा हूँ और इसका PNG फॉर्मेट है, ठीक है, .png। तो मैं यहाँ पे लिख लूंगा, इसका पाथ मैं दे दूंगा इमेजेस, ठीक है, \ logo .png, ठीक है। इमेजेस फोल्डर है और उसके अंदर logo.png नाम का हमारे पास
लोगो रखा हुआ है, ठीक है। मैं यहाँ रिफ्रेश करूंगा तो ये दिखने लग जाएगा, ठीक है। इसका साइज वगैरह भी हम लोग दे देंगे, ठीक है। हाइट इक्वल टू मैं देता हूँ 150, ठीक है। विड्थ मैं दे देता हूँ 150, वन फाइव जीरो, इस टाइप का मैंने यहाँ पे दे दिया, ठीक है। यहाँ आके हम लोग करते हैं रिफ्रेश, ठीक है। तो इस टाइप का लोगो हम लोग को यहाँ पे देखने के लिए मिल रहा है, ठीक है। ये अलाइन लेफ्ट है, ठीक है। ये अलाइन लेफ्ट है, इसको हम लोग सेंटर भी कर सकते हैं, ठीक है। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ अलाइन इक्वल टू सेंटर, ठीक है। तो सेंटर अलाइनमेंट में आ जाएगा। एक्चुअली ये इसमें वर्क नहीं करता, तो हम लोग इसमें क्या करते हैं, पैराग्राफ टैग लगा के हम लोग कर सकते हैं। ठीक है, जहां पे भी अगर हम लोग का अलाइन इक्वल टू सेंटर, ठीक है, तो ये सेंटर में आ गया, ठीक है। तो अगर हम लोग वेबसाइट देखें तो कुछ इस प्रकार से हम लोग को देखने के लिए मिलेगा। लोगो हम लोग को और छोटा कर लेना है, तो हम लोग और थोड़ा छोटा कर ले, इसको 120 हम लोग कर लेते हैं, ताकि, ठीक है, थोड़ा सा ये छोटा हो जाए, ठीक है। अब परफेक्ट लग रहा है, ठीक है। दोनों सेंटर हो गया, और यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, कुछ एड्रेस वगैरह हम लोग लिख लेंगे। तो मैं इसको पूरा को पूरा कॉपी करता हूँ, और ठीक है, यहाँ पे H1 था तो H2 करते हैं, यहाँ पे हम लोग H2 कर दिए, ठीक है। अलाइन सेंटर है, और यहाँ पे हम लोग एड्रेस लिख लेंगे, स्ट्रीट नंबर 69, ठीक है, सेक्टर 6 भिलाई, ठीक है। ऐसा हमने क्या कर दिया, सेकंड लाइन यहाँ पे लिख दिया। तो ये जो साइज है, इसे थोड़ा छोटा में यहाँ डिस्प्ले होगा, ठीक है, ये वाला, ठीक है। और उसके बाद ये हम लोग कॉपी पेस्ट किया था, तो वो यहाँ डिस्प्ले हो रहा है। तो यहाँ पे हम लोग और लिख लेंगे, फोन नंबर, ठीक है। फोन नंबर हम लोग यहाँ दे देंगे, जो भी आप लोग का नंबर है वो डाल सकते हो। मैं यहाँ पे कुछ भी डाल दे रहा हूँ, ठीक है। मैं यहाँ कुछ भी डाल दे रहा हूँ। फिर उसके बाद यहाँ लिख लेंगे ईमेल, ठीक है। ईमेल इसी के आगे ही लिख दो, ठीक साई कॉलेज, ये हम लोग यहाँ पे मेल एड्रेस भी लिख लिए हैं। तो मेल एड्रेस भी हम लोग का यहाँ पे दिख जाएगा इस टाइप से, ठीक है। तो हम लोग चाहे तो इसको और छोटा कर सकते हैं, यहाँ पे H3 ले लो, ठीक है। यहाँ पे H3 ले लो, यहाँ पे H3 कर देते हैं, यहाँ पे भी H3 कर देते हैं, ठीक है। तो इस टाइप से हम लोग क्या कर लिए, यहाँ पे हेडिंग्स यहाँ पे हम लोग दे दिए। तो ये हमारा हेडर तैयार हो गया है। जनरली हम लोग क्या करते हैं कि इसको साइड बाय साइड हम लोग करते हैं, ठीक है। तो इसके लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, टेबल एक बना सकते हैं, ठीक है। मैं यहाँ पे एक टेबल बनाता हूँ, टेबल, और टेबल को क्लोज कर देते हैं, ठीक है। तो कुछ सारी चीजें हम लोग को यहाँ पे यूज करनी है, ठीक है, जो भी हमने यहाँ पे पढ़ा है, ठीक है। मैं यहाँ पे दो कॉलम बनाऊंगा, एक रो बनाऊंगा। एक रो बनाने के लिए यहाँ पे टी आर ले लूंगा, ठीक है। इस टी आर के अंदर सिंगल यहाँ पे दो कॉलम हम लोग बनाएंगे, ठीक है, टी डी, ठीक है। टी डी को क्लोज कर लेते हैं, ठीक है। एक बार और मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ, तो यहाँ दो कॉलम हम लोग का बन जाएगा। तो पहले कॉलम में मैं क्या डाल देता हूँ, इस इमेज को मैं डाल देता हूँ,
सेकंड कॉलम में ठीक है, सेकंड कॉलम में हम लोग क्या करेंगे, ये सारा कंटेंट हम लोग डाल देंगे। ठीक है, मैं इसको कट किया और सेकंड कॉलम में डाल दिया। ठीक है, तो जब भी हम लोग प्रोजेक्ट बनाएंगे तो प्रॉपर अलाइनमेंट के साथ करोगे, तो अगर कुछ भी दिक्कत होती है तो खोजने में ठीक है। इस प्रकार से हम लोग ने बनाया, तो यहाँ पे सेंटर अलाइनमेंट दिख रहा है, अब हम लोग को साइड बाय साइड दिखेगा। ठीक है, साइज इसका हम लोग दे देंगे, या फिर हम लोग या फिर हम लोग इसको सेंटर भी कर सकते हैं। ठीक है, अलाइन इक्वल टू सेंटर। ठीक है, ऐसा हो गया। हम लोग थोड़ा सा लोगो अगर बड़ा करना है तो बड़ा भी हम लोग कर सकते हैं। ठीक है, लोगो का साइज मैं दे देता हूं 180 और यहाँ 180। ठीक है, अपने हिसाब से हम लोग सेट कर सकते हैं इसको। ठीक है, लोगो बड़ा हो गया, तो ये हम लोग को क्या बन गया, एक हेडर बन गया। ठीक है, ये हम लोग का हेडर बन चुका है यहाँ पे। ठीक है, तो इस प्रकार से हम लोग क्या कर सकते हैं, एक हेडर बना लिए। अब सेकंड चीज हम लोग को क्या बनाना है, नेविगेशन बार बनाना है, मतलब मेनू बनाना है। मेनू बनाने के लिए हम लोग को लगेगा यहाँ पे, मेनू बनाने के लिए हम लोग को क्या लगेगा, एक टैग होता है NAV। ठीक है, नेविगेशन टैग होता है। ठीक है, नेविगेशन टैग जो है HTML5 का टैग है। ठीक है, जिससे हम लोग क्या करेंगे, एंकर टैग लगा के हम लोग मेनू क्रिएट करेंगे। जैसे मान के चलो यहाँ पे मैं HREF देता हूँ इक्वल टू, मैं अभी कुछ भी नहीं यहाँ डाल रहा हूँ, हैश डाल दे रहा हूँ इसमें। ठीक है, यहाँ पे मैं लिख लूंगा होम। ठीक है, मैं इसको कॉपी करता हूँ। ठीक है, और यहाँ पे 4-5 बार पेस्ट कर देते हैं। ठीक है, होम देता हूँ, अबाउट अबाउट, और यहाँ लिख देते हैं सर्विसेस। ठीक है, और यहाँ देते हैं बुक्स। ठीक है, इशू यहाँ देते हैं रिटर्न। ठीक है, और फिर पेस्ट करते हैं, यहाँ लिख देते हैं कॉन्टेंट। ठीक है, तो इस टाइप से यहाँ पे मैंने बहुत सारे लिंक्स डाल दिए। एंकर टैग हम लोग ने यहाँ लगाया है, और इसको हम लोग नेविगेशन के अंदर हम लोग डाल दिए, NAV करके यहाँ पे जो हमारे पास एक टैग अवेलेबल है उसके अंदर हम लोग डाल दिए। अब मैं यहाँ आता हूँ और रिफ्रेश करता हूँ, तो यहाँ हम लोग देख सकते हैं इस टाइप से वर्टिकली लिंक हम लोग को यहाँ पे मिल गया है। ठीक है, एक चीज और कर सकते हैं हम लोग, यहाँ पे हर इसके बाद एक खड़ी डंडी यहाँ लगा सकते हैं, ताकि हम लोग का जो मेनू दिखे वो सेपरेट दिखे। ठीक है, मैं एक एक स्पेस यहाँ पे दे दे रहा हूँ, एक स्पेस, उसके बाद इस टाइप का हम लोग एक लगा देंगे, तो हम लोग का जो मेनू है वो काफी अच्छे से सेपरेट किया हुआ दिखेगा। ठीक है, मैं सभी मेनू के बाद यहाँ लगा दिया हूँ, और यहाँ कर देते हैं रिफ्रेश, तो इस टाइप पर हम लोग को डंडी यहाँ पे दिख रही है। ठीक है, हम लोग चाहे तो इसको हेडिंग टैग में भी ले सकते हैं। हेडिंग टैग में कैसे ले सकते हैं, मान लो H3 के अंदर मैं इसको ले लेता हूँ, H3 के अंदर। ठीक है, यहाँ H3 दे दिए। ठीक है, H3 ठीक है। ठीक है, मैं इसको कॉपी करता हूँ, H3 को सभी में पेस्ट कर देता हूँ। प्रोजेक्ट में कॉपी और पेस्ट करने से क्या है, हम लोग का सभी चीज बहुत इजीली बनते जाएगा।
बस हम लोग को ये पता रहना चाहिए कि हम लोग को कहाँ पे कौन सा टैग लगाना है, ठीक है। सारे टैग आप लोग सीख चुके हो, बस आप लोग को उस चीज को यूज करना है, ठीक है। अब कैसे यूज करते हो अपना दिमाग आप लोग लगाओगे, ठीक है। एक्चुअली ये गड़बड़ हो गया है, ठीक है। H3 मत लगाओ इसमें, क्योंकि वो वर्टिकली आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे हम लोग फॉन्ट यूज कर सकते हैं, यहाँ पे फॉन्ट यूज करते हैं, वो ट्राई करते हैं। साइज इक्वल टू दे देता हूँ 15 या फिर 20 दे देते हैं, देखते हैं। रिफ्रेश करके बहुत बड़ा हो गया 20, और यहाँ पे हम लोग कर देते हैं इसको फिलहाल लोग कर देते हैं 14, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं कितना बड़ा हो रहा है। बहुत बड़ा हो गया है, इसको करते हैं 10, ठीक है। काफी बड़ा बड़ा ये दिख रहा है, ठीक है। तो इस प्रकार से हम लोग मेनू क्रिएट कर सकते हैं। फॉन्ट साइज हटा देते हैं फिलहाल, ये कुकीज के कारण यहाँ पे हो रहा है प्रॉब्लम। ओके ठीक है। तो इस प्रकार से यहाँ पे क्या बना सकते हैं हम लोग, मेनू बना सकते हैं, ठीक है। मेनूज हम लोग बना सकते हैं और इसको अलाइन सेंटर करना है। तो यहाँ पैराग्राफ टैग ले लो, और पैराग्राफ टैग के अंदर हम लोग कर देंगे अलाइन, ठीक इक्वल टू सेंटर। ठीक है, तो ये सेंटर में आ गया है यहाँ पे।